क्या ऐश्वर्या शर्मा की पॉपुलैरिटी कर रही है आयशा सिंह को तंग? आखिर क्या वजह है कि आयशा जो है वो भी किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनने जा रही है? पहले तो आयशा और ऐश्वर्या का जो भी मुद्दा है वो आपको समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अगर बात की जाए आयशा सिंह की तो आप सब जानते हैं कि उनका जो शो है वो मैं किसी के प्यार में कितना ज्यादा पॉपुलर शो और लोगों को कितना ज्यादा पसंद आ रहा है। बीच में तो खबरें ये भी आई थी कि उल्का और फरमान जो है वो शायद इस शो का हिस्सा बनने वाले हैं जल्दी, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो आयशा सिंह जो है वो एक बड़े रियलिटी शो के साथ टॉक में है और हो सकता है कि जल्दी आयशा का नाम भी उस लिस्ट में हमको दिखे जिस लिस्ट में बहुत सारी टीवी सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स हैं। लेकिन पहले आयशा और ऐश्वर्या का मुद्दा अगर जानते हैं तो देखो एक ऐसी चीज़ है कि ऐश्वर्या और आयशा दोनों ही एक ही शो में काम करते थे, गोमे किसी के प्यार में, और उसमें से ऐश्वर्या जो है वो खतरों के खिलाड़ी गए, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की कंटेस्टेंट है। तो जब आयशा से ये सारे सवाल पूछे गए तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या को ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि अगर आयशा किसी को सपोर्ट कर रही है तो मुझे। लेकिन ये बबल बर्स्ट तब हुआ जब इंटरव्यू के दौरान आयशा का जवाब ये था कि मैं शिव ठाकरे को सपोर्ट करती हूँ। मतलब एक हिसाब से उनके शब्दों में, उनके वर्ड्स में यही चीज़ जाहिर हो रही थी कि वो अगर किसी को सपोर्ट कर रही है तो वो नाम शिव ठाकरे का है। जिसके बाद आयशा ने सीधे सीधे मतलब ऐश्वर्या ने सीधे सीधे आयशा को अनफॉलो कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया और दोनों के अकाउंट से जो इन दोनों की साथ वाली तस्वीर थी वो सब गायब हो गई। तो इसके बाद अब ये जो न्यूज़ आई है हमारे सामने कि आयशा रियलिटी शो कर रही है, उसके बाद तो जनता जो है वो यही सवाल उठा रही है कि ऐसा क्या हो गया कि ऐश्वर्या के रियलिटी शो, एक रियलिटी शो में जाने के बाद अब आयशा भी रियलिटी शो में जाना चाहती हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देना चाह रहे हैं? क्या आयशा के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि ऐश्वर्या ज़्यादा पॉपुलर ना हो जाए, इस वजह से ये भी रियलिटी शो करना चाह रही हैं? और सारे सालों को बता दूं कि आयशा जिस रियलिटी शो का पार्ट बनने वाली है उसके इस साल के होस्ट ही, मतलब पिछले साल जो होस्ट थे वो शायद चेंज हो गए, इस साल जो होस्ट आए हैं वो ऐसा लग रहा है मतलब इसके पहले वो 13 सालों से ऑलरेडी एक शो का दारोमदार संभाल रहे हैं। बात कर रहा हूँ बिग बॉस के होस्ट सलमान खान की। इसके पहले सलमान खान ही अभी तक बिग बॉस को मेरे हिसाब से यहाँ तक खींच कर लाए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस OTT का भी जो दारोमदार है वो सलमान खान के कंधों पर आने वाला है। क्योंकि अभी हाल ही में सलमान खान ने जो टीज़र और प्रोमो भी आउट किया था उसमें भी उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि अब सबकी लगेगी और आपकी हेल्प भी लगेगी। तो वो ओवरऑल एक चीज़ पता चल गई है कि इस बार OTT जो है सलमान खान रूल करने वाले हैं। और जैसे ही लोगों को पता चला कि सलमान खान का नाम जो है OTT के साथ जुड़ा है, उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स जो मना कर रहे थे वो भी अब इस शो को हाँ करना चाहते हैं, वो भी ये शो करना चाहते हैं। बीच में तो इतने सारे लोगों ने शो को मना किया कि प्रायर कमिटमेंट्स है, ये है, वो है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो भाई ओवरऑल कितने सारे टीवी सेलिब्रिटीज़ और पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ ने हाँ कर दिया शो के लिए और शो जो है वो 17 जून से स्टार्ट भी हो जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बन रही हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।